a leading local news channel of Vadodara. वडोदरा शहर अने जिल्लामां कोरोनाना ग्रहण वच्चे आजे ईद उल फित्र ईदनो पवित्र त्यौहार मनावामां आवी रह्यो हतो। त्यारे वडोदरा शहरना सौथी मोटा एवा ईदगाह मैदान खाते पण आजे कोई अनिच्छनीय बनाव न बने अने सरकारना नीति नियमोनो कोविड गाइडलाइननो उल्लंघन न थाय चुस्तपणे पालन थाय तेवा हेतुसर पोलीसनो बंदोबस्त गोठववामां आव्यो हतो। हाँ, आज रोज रमजान ईद है। रमजान ईद में अमारे मोटे भागे ईदगाह मैदान है, वाड़ी गाजरावाड़ी पास आवेलू है। त्या आज ईदनी नमाज ईदगाह मौलवी तरफ थी कि इमाम तरफ थी अमने घरे पड़वा माटे ने विनंती तमाम लोग ने करी है। एमनी विनंती ने मान राखी आज ईदगाह मैदान में कोई प्रकार की नमाज नहीं, मात्र बे के त्रण जे मौलवीज अने ए लोग आवशे ने जे कहीं एमनी जे विधि करवानी हशे ते करी ने जता रहेशे। एटले हाल में तमाम मस्जिदों पर छे, तमाम चेकिंग पॉइंट पर छे के तमाम जे संवेदनशील पॉइंट पर छे पुलिस नो बंदोबस्त छे। सतत पेट्रोलिंग पण छे, पीसीआर वांस पण सतत पेट्रोलिंग में रहेशे अने आखा दिवस दरमियान पुलिस नो बंदोबस्त रहेशे अने सलामती अने सुरक्षा माटे जरूरी पगला अमे लोको लईशुं। डीएनटीवी, अ लीडिंग लोकल न्यूज चैनल ऑफ वडोदरा। આજે ઈદગાહ મેદાન ખાતે મુસ્લિમ સમુદાય દ્વારા દર વર્ષની જેમ પરંપરાગત પ્રમાણે ઈદ ઉજવાય છે। આ વર્ષે કોરોનાની મહામારીને ધ્યાનમાં અને સરકારની ગાઈડલાઈન મુજબ ઈદ મનાવવામાં આવી હતી। સૈયદ અમીરુલ્લાહ શુક્રુલ્લાહ સહેર ખતીબે જણાવ્યું હતું કે મસ્જિદમાં ભીડ ન કરવી, આ સ્થિતિમાં ઘરમાં જ નમાઝ પડવી, ઈદ પર કોરોનાની ગાઈડલાઈન્સ પાલન કરવાની સલાહ આપી હતી। સૈયદ અમીરુલ્લાહ શુક્રુલ્લાહ સહેર ખતીબે જોયું હતું કે હાલની સ્થિતિને જોતાં મસ્જિદમાં નમાઝ અદા કરવાથી યોગ્ય છે, ચાસ્તની નમાઝ એટલે કે ઘરમાંથી જ નમાઝ અદા કરવી તેમ જણાવ્યું હતું। سمي الله لمن حمدا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر मैं बड़ौड़ा शहर खतीब आज इस ईदगाह में ईद की नमाज पूरी हो गई है और इस भयंकर महामारी का जो रोगचाला फैला हुआ है, इस रोगशाला से मुक्त मिले और वडोदरा शहर के तमाम मुस्लिम नागरिकों को मैं इत्तला करता हूँ, मैं सूचना देता हूँ, आजीजी करता हूँ कि शहर के तमाम लोग इस गाइडलाइंस अनुसार वो अपनी नमाज अदा कर चुके हैं और वो इसी तरह साथ सहकार दे। और साथ साथ में जो एक विशेष संदेश ये है कि हमारी परंपरा इस बार टूटी हुई है, हम एक दूसरे को हाथ नहीं मिला सकते, गले नहीं मिला सकते, उसका बहुत रंज और दुख है, मगर क्या करें, हम मजबूर हैं। इसीलिए सभी मुस्लिम समाज को मैं अनुरोध करता हूँ वो दूर से ही ये अपनी शुभेच्छा अपना दिया पेश करें और मैं तमाम बड़ौड़ा शहर के नागरिकों का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें इस तरह साथ सहकार दिया है और वहीवत तंत्र का भी मैं शुक्रगुजार हूँ
उन्होंने मुझे बहुत साथ सहकार दिया है। वडोदरा शहर के तमाम नागरिकों को मैं ईद मुबारक देता हूँ और इस ये ईद बिल्कुल सादगीपूर्वक मनाने में आई हुई है और आएगी। तमाम मीडिया कर्मचारी से मेरी ईद मुबारक है, ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और भाइयों, आज ईद का दिन है। पूरे रमज़ान के महीने में रोज़े और इबादत के बाद आज सुबह ईद उल फित्र की नमाज अदा की गई और नमाज के बाद अल्लाह से दुआ की गई कि हमारे हिंदुस्तान में जो महामारी फैली हुई है कोरोना वायरस की, उससे अल्लाह हर हिंदू मुस्लिम की हिफाजत करे और इस महामारी को हमारे हिंदुस्तान से बिल्कुल दूर कर दे। इस बीमारी की वजह से जितने भी लोग परेशान हैं काम से, धंधे से, रोजी से, रोज़गार से, सबकी अल्लाह तकलीफ़ें दूर करे और सबकी हिफाजत करे। इंशाअल्लाह हमारे रमज़ान के इबादत से, रोज़ों से अल्लाह हमारी दुआ को कबूल कर ले और हमारे हिंदुस्तान से इस वबा को दूर कर दे। अल्लाह हर मुसीबत को आसान कर दे। भाइयों, आज हर मुस्लिम हिंदू के लिए खड़ा है और हिंदू मुस्लिम के लिए खड़ा है। इस महामारी में कोई जात पात धर्म भेदभाव नहीं किया जा रहा है। मुस्लिम हिंदुओं की मदद कर रहा है, हिंदू मुस्लिमों की मदद कर रहा है। ये एकता का प्रतीक है। अल्लाह हम सब की हिफाजत करे और इंशाअल्लाह जल्द ही इस बीमारी से हमारे हिंदुस्तान को निजात मिलेगी, क्योंकि इतना बड़ा महीना गया है। इस महीने में हर मुस्लिम ने एक ही दुआ की है, अल्लाह इस बीमारी को हमारे हिंदुस्तान से दूर कर दे। खुदा हाफिज़।